बड़े अफसोस के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हुआ मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बिल्कुल करने को लेकिन क्या करे कि मजबूरी है पाकिस्तानी टीम ने जो की है यह हमारी ड्यूटी होती है कि हम सिनेरियो बनाए इतनी जल्दी सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तानी टीम के लिए इतनी जल्दी सिनेरियो बनाऊंगा लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम बाहर हो चुकी है तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल पाकिस्तानी टीम बाहर नहीं हुई जितनी बाकी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर है उतनी ही पाकिस्तान टीम इतनी इस टूर्नामेंट के अंदर है हाँ वो अलग चीज है कि हम जिसको कहते हैं ना पहले मैच के बाद अपना क्वालिफिकेशन सिनेरियो बना रहे हैं ये हमारे ऊपर हालात आगे हुए हैं हालात बड़े संगीन है लेकिन पाकिस्तान के पास तीन चांसेस पाकिस्तान तीन तरीकों से क्वालिफाई कर सकता है सबसे पहले चांस की अगर बात करते हैं इन केस पाकिस्तान इंडिया से अगला मैच हार जाता है जो कि लगता है कि हम हार जाएंगे क्योंकि हमारी टीम अगर यूएसए से नहीं जीत पा रही तो हमने इंडिया की खतरनाक टीम को कैसे हरा पाएंगे हमारे बोलर्स क्या करेंगे हमारे बल्लेबाज कैसे बुमराह शदीक को खेलेंगे तो इन केस अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो होना चाहिए तो देखिए उसके बाद फिर आपने क्या करना है फिर आपने कोशिश करनी जो आपका कैनेडा और आयलैंड वाला मैच है ना वो आपने जीतना है और वो जीतना है आपने अच्छे से आपकी किस्मत अच्छी है कि आप यूएसए से जो मैच हारे हैं वो सुपर ओवर में हारे हैं जिसकी वजह से जो आपका था ना वो ना माइनस में गया ना प्लस के अंदर गया वो स्टिल वही रहे लेकिन यूएसए का कम हो चुका हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है कि पाकिस्तान अगर जीते तो पाकिस्तान अच्छे से जीते है, अपने को बना अच्छा जो की टीम है यूएसए की जो टीम है, ना, वो अपने जितने भी मैचेस है जो उनका इंडिया के साथ मैच है जो उनका आयरलैंड के साथ मैच है वो हार जाए अगर यूएसए अपने दोनों रिमेनिंग मैचेस हार के, इसका मतलब ये होगा कि यूएसए जो है वो सिर्फ चार पॉइंट्स भी रह जाएगी और अगर पाकिस्तान अपने रिमेनिंग मैचेस जीतेगी तो पाकिस्तान मतलब के ऊपर आ जाएगी केस अगर हम इंडिया से हारते हैं तो इसका मतलब होगा जिसका रन रेट अच्छा होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा ये एक सिनेरियो सिनेरियो है है फिर एक आता कि व्हाट इफ हमने इंडिया को हरा दिया अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो क्या हमारा चांस होगा फिर हमारा जो चांस होगा वो नाइनटी हो जाएगा अगर हमने इंडिया को यहाँ पे अगर हमने इंडिया को हरा दिया उसके साथ हरा दिया आयरलैंड को भी हरा दिया, दिया हमारे छह पॉइंट हो जाएंगे हम नाइनटी परसेंट क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि इंडिया की जो टीम है ना इंडिया भी तो मैदान में आई हुई है इंडिया अपना एक मैच जीत चुकी हुई है अगर वो यूएसए को हरा देते हैं साथ ही साथ वो कैनेडा को हरा देते हैं तो उनके भी हो जाएंगे इसी के साथ साथ अगर यूएसए की जो टीम है वो अपना मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाती है तो उनके भी छह पॉइंट्स हो जाएंगे तो पाकिस्तान को मेक शोर्ट sure करना है कि जब छे, छे के ऊपर लेवल आए छ के ऊपर सारी टीमें आ जाए तो पाकिस्तान को कोशिश करनी है जो पाकिस्तान का रन रेट है ना वो यूएसए से बेटर हो

फिर पाकिस्तान जिसको कहते हैं पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है तो तभी जिसको कहते हैं इंडिया ट्रबल के अंदर आता ही है आता ही है लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं भी हराता फिर भी चांस होगा अगर यूएसए ने इंडिया को दिया इसका मतलब यह है कि यूएसए तो क्वालिफाई किया ही किया इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों में से किसी एक के पास चांस होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए इन दोनों में से कौन क्वालिफाई कर सकता है अगर इंडिया यूएसए से हारेगा इसका मतलब है कि हालात दोनों के इक्वल हो चुके हैं पाकिस्तान भी यूएसए से हार है इंडिया भी यूएसए से हारा अब दोनों के जो अपने रिमेनिंग मैचेज होंगे जैसे इंडिया के पास सिर्फ जिससे कहते हैं पाकिस्तान वाला मैच बचेगा और पाकिस्तान के पास बचेगा कैनेडा और आयलैंड वाला और इंडिया के पास होगा कैनेडा वाला मैच तो इंडिया भी कोशिश करेगा कि अपने पाकिस्तान के खिलाफ भी विक्टी अच्छी हासिल करे पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा कि वो जो कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ विक्ट्री अच्छी हासिल करे इसी के साथ साथ पाकिस्तान जिससे कहते हैं कैनेडा के खिलाफ विक्ट्री अच्छी हासिल करे लेकिन पाकिस्तान को यह दिमाग के अंदर रखना है कि इंडिया जो है वो कैनेडा को तो हरा ही देगी अगर पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दे तो फिर इंडिया जिसको कहते हैं छह पॉइंट्स के ऊपर चली जाएगी तो पाकिस्तान को साथ साथ ये भी यहाँ पे दुआ करनी है कि इंडिया को यूएसए के साथ साथ कैनेडा भी हरा दे अगर कैनेडा इंडिया को हराती है यूएसए कैनेडा को हराती है फिर पाकिस्तान के पास चांस मिलता है या तो यूएसए

हम इंडिया से तो हार जाएंगे लेकिन क्योंकि हम कनाडा और आयलैंड को हरा देंगे हमारा जो जो है वो इस तरह का बन जाएगा और हम जैसे ना फिर क्वालिफाई कर जाएंगे बिकॉज ऑफ रन रेट हमें डिपेंड करना पड़ना इंडिया के ऊपर यूएसए को बुरी तरह से हराए ताकि जो यूएसए का जो रन रेट है वो नीचे गिरे और ये भी दुआ करनी है कि जो आयरलैंड की टीम है वो भी यूएसए को पकड़ ले यूएसए को हरा दे फिर हमारे पास चांस बनेगा तो ये सीनैरियो तो टू कहता है अगर पाकिस्तान ने ये वाला काम कर दिया ना इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान ने तबाही मचा दी फिर जैसे कहता है पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर क्यों आखिर क्यों हर दफा जैसे करते हैं हम ऐसे सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि हमें हारना पड़ता है हमें छोटी टीमों से हारना पड़ता है आखिर कब तक हम ये सिनेरियो बनाते रहेंगे और यकीन करें कि पहले मैच के अंदर सिनेरियो बनाना पड़ रहा है दिल मेरा अफसुर्दा है लेकिन क्या करें मजबूरी है करना तो है ही